दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ें और हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ें सभी पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर कर बताते रहूँगा। उसी के तारतम्य में दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं नरेगा पोर्टल पर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो है नरेगा डॉट एन आई सी डॉट इन पोर्टल पर हम किस तरह से हमारा ग्राम पंचायत में हमारा जॉब कार्ड बना है या नहीं, और यदि बना है तो हमारा जॉब कार्ड नंबर क्या है, और जॉब कार्ड जो है उसको हम प्रिंट किस तरह से ले सकते हैं या अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें हमारे कंप्यूटर गूगल सर्च में डाल रहा है, या तो हम मनरेगा डाल सकते हैं, या फिर नरेगा डाल सकते हैं, या फिर सीधे यूआरएल में टाइप कर सकते हैं नरेगा डॉट एन आई सी डॉट इन। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पहली स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों। ये स्क्रीन आने के बाद आप ये पूरी स्क्रीन देख सकते हैं। इस स्क्रीन आने के बाद दोस्तों, हमें कहाँ क्लिक करना है, हमें सीधे जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इस यहाँ पर भी इसके नीचे बहुत ऑप्शंस दिख रहे होंगे दोस्तों, मैं सारे ऑप्शंस पर वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करते रहूँगा, जिससे आपको एक एक फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाए और आप अच्छे सीख सकें। मैं आज आज जो वीडियो है वो केवल इसलिए है कि आपको आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में आपका जॉब कार्ड बना है या नहीं, वो बना है तो आपका जॉब कार्ड नंबर क्या है। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ हमें क्लिक करना है दोस्तों ये स्टेट्स पर। ठीक है, ये ऑप्शन पर जाना है हमें स्टेट्स पर, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन पे। ये जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारे सामने पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स जाएंगे, सारे राज्य जाएंगे। तो आप जिस भी राज्य से आते हैं दोस्तों, पूरे जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी एक राज्य का बताता हूँ, आप अपने राज्य का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने मध्य प्रदेश राज्य पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये देखिए इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने। हमें दोस्तों यहाँ ये जिला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जिला। ठीक है, आप जिस राज्य पर क्लिक करेंगे उसके सारे जिले आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे मैंने मध्य प्रदेश पर क्लिक किया है, तो मध्य प्रदेश के सारे जिले यहाँ पर शो होने लगे हैं। चलिए मैं उसके एक जिले पर क्लिक कर कर आपको बताता हूँ। ये मैंने क्लिक किया दोस्तों, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, जिले के बाद क्या होगा, इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब ये आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके ज़िले में जितने ब्लॉक हैं, जितने जनपद हैं, उन सभी के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ तीन ब्लॉक हैं, तीनों के नाम आ गए हैं। अब मैं पहले ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब ये देखिएगा दोस्तों, इस तरह से पूरी स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पंचायत आ जाएंगी आपकी, आपके उस ब्लॉक में मतलब उस जनपद में जितनी पंचायत है आपकी, वो सब पंचायत यहाँ पर दिखने लगेगी। अब आप अपनी पंचायत देख लीजिए, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, और उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं एक पंचायत पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने एक पंचायत पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों इस तरह से स्क्रीन ये आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत सब लिखी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आज मैं आपको आगे इन सारे ऑप्शंस पर बता दूंगा किस तरह से कार्य करना। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि आप अपना जॉब कार्ड किस तरह से सर्च कर सकें आपकी ग्राम पंचायत में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इसी ऑप्शन पर जाना है। पहले ऑप्शन है R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, इसका पहला है जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो इसमें दोस्तों हमें जाना है सबसे पहले ये पांचवें नंबर पर, ये है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। ठीक है, तो हम जाएंगे पांचवें नंबर पर। चलिए मैं जाके क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ लिखा जाएगा क्रम संख्या, जॉब कार्ड संख्या और नाम। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ ये जो जॉब कार्ड संख्या लिखी हुई है इसके आखिरी में जैसे तीन अंक लिखे, तो ये आपका जॉब कार्ड नंबर है, और ये पूरा जो है ये पूरा आपका जॉब कार्ड नंबर है, जॉब कार्ड संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। तो आप दोस्तों यहाँ जो ये जो दिख रहे हैं, ये वही जॉब कार्ड दिख रहे हैं जो कि अभी एक्टिव है, अभी काम कर रहे हैं, जो कि अभी रनिंग में है। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ क्रम संख्या दिख रही है, इतनी जैसे 52 दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे सभी के। तो दोस्तों इस तरह से
से यहाँ आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम अभी रनिंग जॉब कार्ड लिस्ट में है या नहीं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर कर आपका ये भी देख सकते हैं कि आपको अभी, तो आप इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करें जिसमें आपको आपका नाम है, जहाँ आप उसमें से क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको कितना रोजगार प्राप्त हुआ और आपका जॉब कार्ड भी आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे दोस्तों मान लीजिए एक हितग्राही है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक ऑप्शन पर जैसे ये क्लिक किया 50वें ऑप्शन पर ही, तो ये जॉब कार्ड नंबर हो गया, ये हितग्राही का नाम हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों हम इस जॉब कार्ड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो ये देखिए ये जॉब कार्ड आ गया दोस्तों। ये जो इतना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आपका जॉब कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सब दिख रहा है, यहाँ जॉब कार्ड नंबर दिख रहा है, नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड दिख रहा है, फादर हस्बैंड कैटेगरी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सब दिखेगा दोस्तों, आपको एड्रेस ये सब दिखेगा। तो दोस्तों ये हो गया, और उस जॉब कार्ड में आपके कितने एप्लीकेंट हैं वो भी दोनों दिखेंगे दोस्तों। ये देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट जैसे दो है, जेंडर दिखा है, एज दिखा है, बैंक में खाता है तो कौन सी बैंक में खाता है, ये भी आपको शो होने लगेगा कि आपका किस बैंक में आपका जॉब कार्ड का पैसा जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये पूरा ब्लॉग जो है दोस्तों ये जॉब कार्ड है, आप इसको प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं या सेव करके मोबाइल या कंप्यूटर में अपने पास अच्छे से रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा कि आपने कितनी डिमांड, कितने दिनों की डिमांड दी थी, वो यहाँ सब सब दिखने लगेगी, पूरे किस डेट से किस डेट तक दिए, वो पूरी सब एक एक दिखेगी दोस्तों, ठीक है। जैसे 15/10/2020 से 21/10/2020, पूरे एक एक सप्ताह की कब कब दिए आपने डिमांड दी है, आपने कब कब रोजगार के लिए कहा, वो पूरा दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट ऑफर, मतलब आपको किस कितने समय तक के लिए और किस वर्क पर आपको कार्य मतलब रोजगार दिया गया है। जैसे ये नेम ऑफ एप्लीकेंट दिया है, यहाँ दिया है मंथ एंड डेट, ठीक है। जैसे 15/10/2020 से 21/10/2020 तक 7 दिन के लिए, तो यहाँ 6 दिन का रोजगार दिया, और किस वर्क पे दिया, किस कार्य पर दिया है, तो जैसे ये लिखा है कार्य ग्राम पंचायत बुन्नास के अंतर्गत ग्राम आनंदपुर नहर प्रणाली के साइट क्लियरेंस कार्य, तो ऐसा कार्य भी दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट गिवन, और भी आप ज़्यादा ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर आपकी पूरी, और ये मस्टर नंबर भी दे सकते हैं कि इस मस्टर पर आपको कितने दिन का रोजगार मिला है, पूरी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके टोटल सब टोटल भी दिखेगा कि आपको कितना अभी तक पैसा इस वित्तीय वर्ष में मिल चुका है, ठीक है। जैसे ये 2000 फाइनेंशियल 2020-21 का है, तो यहाँ दिख रहा है कि इतना पैसा आपको अभी खाते में आ चुका है, ठीक है। तो ये मजदूरी दोस्तों हर जगह की अलग अलग हो सकती है, हर स्टेट्स की अलग अलग हो सकती है, इसलिए बस मैंने एक आपको फॉर्मेट बता दिया पूरा कि इस तरह से आपको दिखेगा। आप अपना जॉब कार्ड देख सकते हैं, पूरी डिटेल दे सकते हैं। अब दोस्तों हम फिर बैक जाते हैं, पीछे से बैक गए हम इस तरह से ये रनिंग जॉब कार्ड पर, फिर आगे फिर से हम बैक जाएंगे। अब दोस्तों मैं एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये तो अब मैंने 5वें नंबर का बताया, ये तो वो जॉब कार्ड देखेंगे जो कि अभी रनिंग है, अभी चल रहे हैं। अब यदि आपको ऐसे जॉब कार्ड भी देखना है जो कि अभी रनिंग नहीं है लेकिन आपका जॉब कार्ड नंबर आपको देखना है, तो आप कैसे देख सकते हैं, इसके नीचे ऑप्शन है दोस्तों छठवा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्टर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें दोस्तों जहाँ तक है लगभग 100% लोगों के जॉब कार्ड इसमें बने ही रहते हैं, तो आप अपना जॉब कार्ड नंबर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यदि काम करना है, रोजगार प्राप्त करना है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर उस जॉब कार्ड का प्रिंट आउट लेकर और उस जॉब कार्ड नंबर को ले जाकर आप रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब दोस्तों हम देखेंगे छठवां ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्टर, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इस ऑप्शन पर ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया पंजीकृत आवेदन पुस्तिका। दोस्तों इसमें क्या होगा, राज्य लिखा रहेगा, जिला लिखा रहेगा, ब्लॉक लिखा रहेगा, पंचायत लिख रहेगी। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा, सीरियल नंबर, हेड ऑफ हाउसहोल्ड, कास्ट, ये सब लिखा रहेगा। यहाँ दोस्तों क्या होगा, आपकी पंचायत में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी के लगभग जॉब कार्ड यहाँ पर बने रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पूरा आपका नाम लिखा रहेगा, ऐसा आप बिल्कुल नीचे करते आएंगे स्क्रॉल, तो ऐसे बहुत सारे पूरे पंचायत में जितने लोग होंगे लगभग सभी के यहाँ पर जॉब कार्ड आपको शो होने लगेंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये सारे जॉब कार्ड पहले तो मैंने आपको बताया जो रनिंग जॉब कार्ड थे, अब ये जॉब कार्ड वो है जो कि हो सकता है कि अभी रनिंग नहीं हो, तो इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए हमको कार्य चाहिए, तो हम यहाँ से जॉब कार्ड नंबर लिख लेंगे और पंचायत में आवेदन कर सकते हैं जॉब के लिए या
जिसको कहें हम रोजगार के लिए, जैसे मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे नाम लिखा है शिवचरण, किस कास्ट में आते हैं, एसटी, शिवचरण रूपा भाई, उनके यहाँ दो हैं, पिता का नाम हीरालाल है, जेंडर एम है, एज इतनी लिखी हुई है पूरी, जो भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा है इसका दोस्तों मेन चीज ये है, ये देखिए ये पूरा जॉब कार्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका रनिंग जॉब कार्ड में नंबर नहीं भी है तो यहाँ आपका नंबर 100% लगभग होगा ही, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जॉब कार्ड नंबर लिख सकते हैं कॉपी पर, या इसका प्रिंट ले सकते हैं और अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं कि हमें भी जॉब चाहिए या रोजगार के लिए आवेदन करना, हमें भी डिमांड देना है, ठीक है, जिससे कि हम रोजगार प्राप्त कर सकें। तो ये दोस्तों पूरा आपका जॉब कार्ड नंबर हो गया, ऐसा आप जहाँ भी सर्च करेंगे वो आपका यहाँ से जॉब कार्ड नंबर आपको मिल जाएगा, जो भी नाम होगा उसके आगे आपको जॉब कार्ड नंबर आपका मिल जाएगा, और आपके घर में कितने सदस्य रजिस्टर्ड हैं अभी जॉब कार्ड में वो भी आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बस अभी इतना आपके काम का है, इसके बाद दोस्तों जैसे ही और भी कुछ मैं आपको धीरे धीरे इसके सारे ऑप्शंस और भी बताते रहूँगा। तो आज हमने क्या क्या चीज़ सीख ली दोस्तों, हम अभी ब्रेक हो जाते हैं फिर से। तो आज हमने क्या चीज़ सीखी दोस्तों, दो चीज़ सीख ली, एक तो पांचवे ऑप्शंस पे गए हम, इसमें गए जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर देख लिया यहाँ से, जितना हमारे अभी ग्राम पंचायत में जो जॉब कार्ड है, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी लिस्ट देख ली, ठीक है, पूरे रनिंग जॉब कार्ड देख ली। उसके नीचे दोस्तों हमने पूरी ग्राम पंचायत में अधिकतर 100% लोगों के जो जॉब कार्ड बने हुए हैं उनके नंबर किस तरह से देखे हैं वो हमने यहाँ से देख लिया। तो दो चीज़ है दोस्तों, दोनों चीज़ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी ग्राम पंचायत की आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे एक एक ऑप्शन बताते रहूंगा, आप इसके लिए मेरे साथ बने जरूर रहिए। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल दोस्तों ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।